अस्सलाम वालेकुम डियर लॉयर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। बड़े अरसे से मैं खामोश था और वेट कर रहा था कि खुद रिजल्ट्स निकल आएँ ताकि बात ना करना पड़े, लेकिन अब मजबूरी बन गई है। लाहौर बार के इलेक्शन में जिस तरह के हालात आप सब फेस कर रहे हैं, काम वकील जो है उसमें डिप्रेशन का शिकार हो चुका हुआ है कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है। तो इनफैक्ट यही हकीकत थी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे इलेक्शन के अंदर जो इसका जो भयानक चेहरा है वो लाहौर बार के इलेक्शन के बाद और उसके पहले के हालात ने आपके सामने ले आया। आप इस बात को इससे असेस कर लें कि एवरीडे एक नई चीज़ आती है जिसकी एक नई प्रपोजिशन बताई जाती है और उसके बाद फिर एक नई तारीख शिफ्ट किया जाता है। तो ये क्या है सब कुछ? हम लोग कम्यूनिटी हैं, बार लाहौर बार इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी बार अपने वो कहलाती है, 25,000 लॉयर कम्यूनिटी का इसका मेम्बर है। और हो क्या रहा है कि एवरीडे एक हम एक नई प्रपोजिशन में डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे चल पड़ते हैं। तो मैं जब इतने अरसे से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अगर सिंसेयर हैं तो आप इलेक्शन रूल्स क्यों नहीं बनाते मुस्तकिल? एक हमारा चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड आता है, वो आगे कहता है जी कि 10 लाख रुपये आपको फ़ाइन इसलिए है कि आप जो है ना जी आपने 10 बंदे क्यों इकट्ठे कर लिए। दूसरा चेयरमैन बोर्ड कहता है जी आप जो मर्जी करें, चाहे जितने मर्जी खाने खिलाएं, मसला ही कोई नहीं है। तीसरा इलेक्शन बोर्ड आता है, वो कहता है जी आपने सांस तेज क्यों लिया, मैं आपको 5 लाख जुर्माना। ये क्या है भाई, आप इतनी बड़ी कम्युनिटी का इलेक्शन करवा रहे हैं और किस लॉ के तहत, किस रूल के तहत ये बातें आप करते हैं कि आपकी मर्जी है आप 10 लाख रुपये 10 बंदे इकट्ठे करने पर डाल दें, आपकी मर्जी है आप कहें जी चाहे 1 करोड़ रुपये खर्च कर दें। तो इलेक्शन रूल्स बनाएं ताकि बाहर किसी तरफ लगे। और ये जो मामला है ना जी कि इधर उधर, जब एक बेनिफिशियरी होता है उसी सिस्टम का वो कहता है जी वेरी गुड सिस्टम है, जब उसका नुकसान पहुंचता है तो वो कहता है जी बड़ा गंदा सिस्टम है। इसका मतलब दोनों तरफ से ही बात मानने पे आ गई, इस सिस्टम में खराबी है और उसको दूर करने का एक ही तरीका कार है कि आप इलेक्शन रूल्स बनाएं, पंजाब बार काउंसिल से अप्रूव करवाएं, बार एसोसिएशन से अप्रूव करवाएं अगर आप सिंसेयर हैं। नहीं तो आए मैं आप मेरे से करें डिबेट बैठ के कि अगर आप अपनी बात को कानूनी तौर पर तस्लीम करवा दें कि आप ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं और बार की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और आने वाला वक्त जो है बार के लिए ठीक है, ओपन डिबेट के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ, आए मेरे से करें बात। और ये जो आपने अजीब सिस्टम को आप लोगों ने इसको किया हुआ है, अपनी अपनी मर्जी के साथ फैसले, अपनी मर्जी के साथ चीज़ें, और जो आम वोटर है वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए वापस आ जाएं और बार को उस जगह तक मत लेके जाएं जहाँ से वापसी का रास्ता बंद हो जाए। बहुत शुक्रिया।